अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे बात से फॉर पाक अनबॉक्सर। अभी कुछ ही दिन पहले एप्पल वालों ने iPhone 14, iPhone 14 प्रो मैक्स, इसी के अलावा उन्होंने एक स्मार्ट वॉच लॉन्च की है। लेकिन आज यूट्यूब में इसके बारे में नहीं, मैं से बता रहा था कि आईफोन ने ये चीज़ लॉन्च की है, तो इसके साथ आईफोन ने एक चीज़ लॉन्च की है, ये MacBook M2, ये भी उन्होंने लॉन्च की है। इसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने जो चीज़ बनाई है वो है प्रोसेसर। इन्होंने जो इस वक्त जो प्रोसेसर यूज़ किया वो है M2। इससे पहले जो पुराने वर्जन आते हैं उसमें मेरे ख्याल में M1 था। अभी ये एप्पल खुद भी मना रहा है, तो ज़्यादा टाइम नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मैकबुक यार M2 का बॉक्स। ये तो हमें जो वेरियंट मौजूद है ये हमें ब्लू कलर में मिलता है। ये ब्लू कलर में वेरियंट मौजूद है। अगर मैं इसके बॉक्स की बात करूँ तो इसके बॉक्स में साइड में हमें एप्पल लिखा हुआ मिलता है, वो भी हमें डार्क ब्लू कलर में मिलता है। एप्पल वालों में एक चीज़ ये है कि आप जो से मोबाइल लेंगे उसी कलर में आपको उसका बॉक्स भी मिलता है। इसके अलावा अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करूँ तो इसमें मैं पहले भी कह चुके हैं, इसमें जो हमें प्रोसेसर मिलता है वो M2 मिलता है। इससे पहले जो पुराने वर्जन वेरियंट आ रहे थे उसमें M1 था, इसमें अब M2 आया। ये एप्पल ने खुद ही बनाया, खुद ही मैन्युफैक्चर किया, इसलिए इन्होंने इसका नेम M2 लिया हुआ है। इसी के अलावा मैं इसके रैम की बात करूँ तो 8 GB, 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज क्या हमें ये मिल जाता है। अगर इसकी इसमें प्राइस रेंज की बात करूँ तो इसमें $1300 से लेकर $1500 में आता है। ये दो वेरियंट इसमें आते हैं, एक $1300 में मिलता है और दूसरा जो है हमें $1500 में मिलता है। इसी के अलावा अगर मैं इस मोबाइल के स्पीकर्स की बात करूँ तो इसके स्पीकर हमें 3 मिल जाते हैं। पिछले जो वेरिएंट थे उसमें हमें 2 स्पीकर मिलते थे। अब आप कहेंगे इसके स्पीकर कहाँ पे हैं, तो पिछले जो स्पीकर थे साइडों पे लगे, तो अभी जो इसके स्पीकर आते हैं वो इसके डिस्प्ले के नीचे, आप लोगों को ये दिख रहा होगा, इसके डिस्प्ले के नीचे हमें स्पीकर मिलते हैं, 3 स्पीकर मिलते हैं। अगर मैं इसके साउंड की बात करूँ तो इसके साउंड भी हमें बहुत अच्छा मिल जाता है। मैंने वैसे सोचा नहीं था फिर वाले हमें इतना अच्छा साउंड देंगे, तो आप दे दिए, तो साउंड भी हमें बहुत ही अच्छा मिल जाता है। मैंने वैसे सोचा नहीं था फिर वाले हमें इतना अच्छा साउंड देंगे, तो आप दे दिए, तो इसी के अलावा मैं इसके डिस्प्ले की बात करूँ तो इसकी डिस्प्ले फुल HD में मिल जाती है। एप्पल वालों ने हर बार की तरह एक बार फिर से उन्होंने अपने डिस्प्ले में कुछ कलर का कलर इसमें बढ़ाए हैं, इसकी लुक को अच्छा और खूबसूरत देने के लिए। इसी के अलावा आप लोगों को इसकी बैटरी भी हमें बहुत अच्छी मिल जाती है। बैटरी किस तरह की इसमें जो बैटरी में मिल जाती है पिछले के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा चलने वाली है। इसी के अलावा एक बात मैंने कही, इस मैकबुक में हमें एक पेन नहीं मिलता। अगर आप लोग गेमिंग के लिए ले रहे हो या एडिटिंग के लिए, तो उसके लिए मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि ये आपको उसके लिए बेहतर नहीं। अगर आप लोग और कोई काम करना चाहें तो उससे ये कर सकते हैं। गेमिंग एडिटिंग ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, पर गेमिंग की तरफ भी जा रहा है, कह रहा है कि अगली जो वर्जन है उसमें क्या पता होगा, गेमिंग के बारे में भी पूछ रहे हैं। इसी के अलावा मैं इसके बॉक्स की बात करूँ तो इसके बॉक्स में हमें एक अडाप्टर मिल जाता है चार्जर, जो कि इसकी अगर मैं वाट की बात करूँ तो 30 वाट का हमें इसमें चार्जर मिल जाता है। अगर चार्जर की वाट तो इसमें इन्होंने इसे बहुत कम दिया है। अगर आप लोगों ने पर्सनली भी खरीदना हो तो उसके लिए भी ये मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने ज़्यादा वाट होना चार्जर चाहिए तो उसके लिए पहले उसके अलग से चार्जर देगा। इसी के अलावा इसके बॉक्स में हमें एक केबल भी मिल जाती है, जो कि हमें टाइप सी मिल जाती है एक तरह से, सॉरी एक अडाप्टर है वो हमें टाइप सी मिल जाता है। इसी के अलावा अगर मैं इसके बॉक्स की दूसरी तरफ चलूँ तो इसमें हमें स्टिकर मिल जाते हैं, जो कि वैसे की तरह जिस तरह के हमारा मैकबुक उसी तरह कलर का हमें इसमें ब्लू कलर का हमें इसमें स्टिकर मिल जाता है, कुछ मैनुअल वगैरह हमेशा की तरह। इसी के अलावा इसमें जो हमें डिस्प्ले में आप लोग दिख रहा हो तो इसमें एप्पल वालों ने फिर से नोच दे दिया, आईफोन से निकाल के उन्होंने मैकबुक पर डाल दिया। इसी के अलावा दोनों का डिस्टेंस आपको देख भी रहा होगा। इसी के अलावा मैं इसके बात करूँ तो पुराने में और जाते थे उसमें वो मैकबुक बहुत मोटे हुआ करते, वो बहुत भारी हुआ थे। इसके अगर मैं वेट की बात करूँ तो इसका वेट भी मुझे वो हल्का मिल जाता है। इसकी बॉडी हमें एल्यूमिनियम की मिलती है, वैसे सभी एल्यूमिनियम में आते हैं। इसी के अलावा अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो इसकी बिल्ड क्वालिटी उसे बहुत कमजोरी मुझे दिख रही है। अगर अभी ये लोगों से एक बार गिरा तो बस इसकी डिस्प्ले तो सब कुछ गया, दिखने में भी बहुत कमजोर है, दिख भी रहा होगा कि ये कितना पतला। और इसी के अलावा एप्पल ने बहुत सारे एक्सचेंज किए, जो हमें माइक्रोफोन मिलते हैं, माइक्रोफोन भी 3 दिए हमें। अगर आप लोगों के साथ 2-3 बंदे और बैठे तो इसकी आवाज़ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलेगी। स्पीकर भी हमें इन्होंने इजाफा कर दिया, माइक्रोफोन में भी इन्होंने इजाफा कर दिया। इसी के अलावा मैं इसके फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो इसके में 1080p फेस टाइम HD कैमरा में मिल जाता है। और इससे जो पहले थे उसमें 720p था, और उससे जो पहले आता जो तकरीबन 10 साल पहले से गुजर आसपास उसमें हमें 480p मिल जाता था। इसलिए आप लोग देख भी रहे होंगे कितना बड़ा डिस्टेंस इसमें डाल दिया है इन्होंने। और एक बड़ा काम जो अगर मैं इसके शेप की बात करूँ तो उसका शेप भी हमें थोड़ा सा ऊपर नीचे मिल जाता है। अगर मैं इसके लोगों की बात करूँ, जो इसका मोनोग्राम है मिलता है, वो पिछले से मुकाबले
इन्होंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया, बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया। इसी के अलावा मैं इसके कीबोर्ड की बात करूँ तो इसका कीबोर्ड भी हमें दिखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इसके साइड में हमें एक पावर की का बटन मिल जाता है और वहीं कुछ पुराने फंक्शन मिल जाते हैं। इसी के अलावा जो $1,300 में एक हमें मिलता है और एक हमें $1,500 में मिलता है, इन दोनों में डिस्टेंस क्या है सबसे बड़ा? $1,300 वाला जो इस वक्त मेरे पास मौजूद है इसमें फ़ैन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ इतना फ़र्क इसमें फ़ैन नहीं है। जो $1,500 वाला हमें मिलता है इसमें फ़ैन अवेलेबल होता है। तो बस इतना ही आज की इस वीडियो के लिए, तो मैं हम लोग अगली वीडियो में किसी नए छोटे के साथ, तब तक के लिए।